परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। शब्द गुरु परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का जन्मदिन पर संदेश। महाराज जी फरमाते हैं कि आप सब भाई बहनें यहाँ आए हो, होश में आओ। मैं किसी समाज को नहीं छेड़ता। यहाँ सत्संग में चार्जिंग मिलती है, वह भी मुफ्त। परवाह ही नहीं करते। पूरे गुरु की निशानी यही है कि वह पहले ही दिन अंतर में शब्द ध्वनि और लाइट का तजुर्बा देता है। भागों से यह जिस्म मिला है, इसे गंवाओ नहीं। चारों युगों से टकरे मारते हुए आए, अभी तक घर नहीं पहुँचे। प्रभु की याद में हजारों मिलकर बैठो। जितने छपड़ हैं सब समुंदर के हैं, मगर एक छपड़ का दूसरे छपड़ में नहीं जाता। यह ठीक नहीं है। यह सत्संग घर प्रभु का घर है। कोई कहीं भी जाता हो, यहाँ तो मिलकर बैठो, फिर जो मांगोगे मिलेगा। जो चीज़ यहाँ मिलेगी वह लाखों करोड़ों में कहीं भी नहीं मिलेगी। मीराबाई प्रभु भक्त थी। वह विलाप करती रहती थी कि हे प्रभु, तू तो अपने देश में विराजमान है, हम यहाँ परदेश में टकरे मार रहे हैं। रो रो कर पुकारती है कि हे प्रभु, अपना रंग चढ़ा दो, हमें बचा लो। भक्तों की आँखों से जो आंसू बहते हैं, वह जन्मों जन्मों के संस्कार धो डालते हैं। प्रभु, अब तेरे मिलाप की जरूरत है। एक दिन महाराज जी फरमाने लगे कि अगर गुरु शिष्य के कर्मों का हिसाब खत्म किए बगैर ऊपर ले जाना चाहे तो अगली तरक्की में रुकावट तो पड़ेगी, मगर अंतर में गुरु की खुशी मिलती रहेगी। ऐसा शिष्य दोबारा दुनिया में नहीं आएगा। रूहानी राह पर तरक्की के लिए सतगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाना जरूरी है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, शिष्यों की राह में बाहरी रुकावट बन रहे हैं। बेहतर होगा कि अपने आप को छुपाकर एकांतवास हो जाओ। गुरु नाम देकर अंतर में बैठ जाता है, जब तक सतपुरुष की गोद में ना पहुंचा ले दम नहीं लेता। तो आज हमारा इकट्ठे होने का मतलब यही है, एक तो शुक्राना हो और शुक्राने में हमारी जुबान खुले। दूसरे, हम कहाँ तक पहुँचे? वह हमें लेने आए थे, हम गए नहीं। जो पूंजी हमें दी है, उन्होंने लाइट और शब्द ध्वनि की, उसको हमने कितना अंतर में बढ़ाया। जाग ए इंसान, जाग, अपने वर्षे को संभाल। गुरु जो कहता है उस पर ध्यान ना देना शिष्य के लिए मौत के बराबर है। जो गुरु से प्यार करता है उससे गुरु दूर नहीं। जब बच्चा दुखी होता है तो इंसानी शक्ल लेकर प्रभु आ जाता है, दरवाज़ा खोल देता है कि आओ बच्चे, चलो अपने घर। तुम प्रभु तक आंसुओं के समुंदर बहाकर आ सकते हो, वह भी प्यार के आंसू हो। गुरु फौरन संभाल लेगा और गोद में बिठा लेगा। सिर्फ सबसे प्यार करना सीख जाओ, तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। दूसरों से अगर प्यार है तो लफ्ज़ भी प्यार भरे निकलेंगे। तो आज के दिन मैं पूछता हूँ, आप कहाँ खड़े हो? आप शुक्राना तो कर सकते हो। अगर कल को दिन ही ना चढ़े, गुरु को भूल जाना
काल के बस जाना है। अगर उसकी याद भी बनी रहे तो काल के दायरे से तो बचे रहोगे। आज मैं फिर कहूँगा कि गुरु को ना भूलो। दरअसल हमारी किस्मत में दरबदरी लिखी गई है। हर आदमी ही अपने हाल में दुनियावी रंग में मस्त है। गुरु ना बसारू हर तो तज डारू। गुरु के कहे चलो सब कोई मन के कहे चलो मत कोई। मन के कहे चलो मत कोई। मैं हमेशा कहता हूँ फरमा बरदारी और गुरु की याद बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना माना मानो। गुरु जिस्म नहीं जिस्म रखता है। कोई ताकत इसे चला रही है। वह ताकत प्यार है, लाइट है और ज़िंदगी है। सच्चा प्यार दिल की गहराई में छुपा रहता है। सच्चा सतगुरु ही वह ताला खोलता है। वह खुद भी प्यार लाइट और ज़िंदगी है। गुरु के दर्शन कर लेना काफ़ी नहीं। उसके हुक्म के मुताबिक ऊपरले मंडलों में अंतर रहना सीख जाओ। यही प्रभु की खुशी है। ख्यालात की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। जुबान से भी जहर ना उगलो। नम्रता धारण करो। इल्मियत का अहंकार करके दूसरों में नुक्श ना निकालो। सबकी सुनो, साथ ही निष्काम सेवा करो। तन करके सेवा करो। सबसे प्रेम करना भी हमारा धर्म है। परमात्मा ही प्यार है। घट घट में बैठा बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा है। फिर नफरत किस से करोगे। आप सबके प्रेम की मैं कदर करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा जीवन बनाएं जैसा कि मैं चाहता हूँ। वह क्या है? जुबान मीठी, नम्रता भरी, किसी का बुरा उन्हें जताना, बुराई सुनाना, सच बोलना, ख्यालात की पवित्रता, मन वचन और कर्म करके वकायदा भजन सिमरन करना, मान बड़ाई से बचना। ऐसे करने से दोनों जहानों की खुशी आपको मिल जाएगी। दुनिया आपको देखकर आपके गुरु की महिमा करेगी। यह है प्रभु को पाने का साधन। खास बात आपको कहूँ, अगर बाहर सैर करने जाओ तो वहाँ मन को प्यार से समझाओ कि साथ साथ प्रभु की याद भी होती रहे तो क्या हर्ज है। मन से सख्ती ना करो। दोस्त बनाकर अपना काम निकाल लो, वह मान जाएगा। इस तरह गुरु का सौंपा थोड़ा काम भी कर लो। ऐसे करने से तुम्हें प्यारे प्यारे संतों की सोहबत नसीब हो जाएगी। और क्या चाहते हो? माया के बारे गुरु साहिब का फरमान है, माया होई नागनी जगत रही लिपटाई, जो उसको सेव दे फिर तिस ही को खाई। माया नागनी है, यह अपने बच्चों को पैदा करके कुंडली मार के आप ही खा जाती है। कोई भाग जाए तो बच जाते हैं। कोई गुरमुख ही अपने पांव तले रौंदता है तो माया और हों में दो चीज़ें हैं जिनके कारण हम ज्योति और शब्द से खाली रह जाते हैं। तो भाई, ऐसे महापुरुष की तलाश कर लो जो ज्योति और शब्द का भेद दे दे। भाई, कोई भूखा मिलता है तो बांट कर खाओ। कोई दुखी मिलता है तो उसके दुख दर्द बांटो। फिर गुरु अंधेरे में प्रकाश कर देता है अंतर में। ज्योति के बगैर इंसान का जीवन व्यर्थ है। जिस दरख्त को फल ना लगता हो वह जलाने के काम आता है। इसलिए हुकुम पर मत्था टेकोगे तो तुम्हारी अवश्य कल्याण होगी। जीवन को विषय विकारों में ना रंगो। नाम जपो, वंड छको। मख नशा लुभाने का जिक्र है।
उसने गुरु तेग बहादुर साहब की तलाश कैसे की? तारीख गवाह है कि तलाश करते करते वहाँ पहुँचे जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब एक मकान के अंदर थे। गुरु साहिब का हुक्म था कि कोई भी दरवाज़ा ना खटखटाए, जो ऐसे करता था उसे सजा देते थे। मखनशा ने सोचा कि दरवाज़ा नहीं खुलवाते, नीचे से सुरंग लगा लेते हैं। सुरंग खोद ली और अंदर जाकर गुरु साहिब से मिला। गुरु साहिब ने पूछा, कैसे आए हो और किधर से आए हो? मखनशा ने कहा, दरवाज़ा नहीं खुला, सुरंग लगा के अंदर आया हूँ। भाई, जिसको तलाश होती है वह चैन से नहीं बैठता। अरे भाई, प्रेम है और भजन में ना बैठें। बच्चे के प्रेम में कोई बोझ महसूस नहीं होता, खुशी खुशी सेवा करता है। दरअसल हम बेगार काटते हैं, प्रेम की ही कमी है। मन में प्रेम नहीं तो भजन कैसे बने? भाई, जहाँ रूह की लगी हो उनका क्या हाल होगा? प्रेम हर चीज़ को खूबसूरत बना देता है, कांटे भी गुलाब बन जाते हैं। प्रभु ने यह शरीर बनाया है, इसमें खुशबू आनी चाहिए मगर बदबू आ रही है। कुदरती सुंदरता आत्मा में है, जिस आत्मा में प्रभु का प्यार है वह क्यों नहीं महकेगी? जो सतगुरु के सेवने वाली है वही काया अति सुंदर है, वही प्रभु के दर पर परवान होती है। बल्कि ऐसी काया के एक एक अंग को देखने के लिए आज दुनिया तरस रही है। अगर वह खुद ही मिल जाए तो एक बात कहूँ, जिनकी आँखों में प्रभु बस रहा है उन आँखों से मणि को पाओ। वह तब होगा जब दुनियावी ख्वाहिशात नफी हो जाएगी। प्रभु दूर नहीं, हम ही दूर हैं। देखो, प्रभु की बातें सुनने में दिल को कितना टिकाव मिलता है। अगर वह खुद ही मिल जाए तो कितनी शांति होगी। एक बात खास याद रखना, तुम्हारा प्यार करने वाला सतगुरु जैसा आज दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन हुजूर का गला खराब हो गया, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। महाराज जी हफ्ते की छुट्टी लेकर डेरे में आ गए। बुलंद शहर से कुछ आदमी नाम लेने आए हुए थे। हुजूर ने फरमाया, कृपाल सिंह, तुम इनको नाम दे देना। यह प्रोग्राम जोध सिंह के मकान पर था। नामदान दिया, सबको अच्छे अच्छे अंतरी तजुर्बे हुए। सब लोग नाम लेकर खुशी खुशी अपने घरों को गए। हुजूर भी बहुत खुश हुए। यह भी तसल्ली हो गई कि हुजूर के बाद कौन काम संभालेगा। भाइयों, चंद रोज़ा जिंदगी है, संभल कर चलो। अगर धन दौलत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए उसे संभालने में दुख बड़े बन गए, कोई बदनामी करे तो भी दुख, मौत आ गई फिर भी दुख। भाई, चलो अपने घर को, वहाँ सुख ही सुख है। डायरी का मतलब खास है, अंतर्यामता हो जाएगी, महात्मा बन सकते हो, इसलिए मैं डायरी पर जोर देता हूँ। एक दिन महाराज जी ने कृष्णावंती जी से कहा कि जो कुछ उनके पास है वह दे दे। तकरीबन 200 रुपए के करीब थे। वह रुपए लेकर महाराज जी किसी के घर गए। वह सत्संगी था। महाराज जी को देखकर वह घबरा गया और गिरने लगा। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों से उसे संभाला। उसने रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम मेहर था। कहने लगा, मैंने जहर खरीद ली है, अपने बीबी बच्चों समेत जहर खाकर दुनिया छोड़ने का प्रोग्राम है। महाराज जी के प्यार से वह सत्संग आने लग गया। यह भाई नाम लेवा था, अपना कारोबार खो बैठा था, हुजूर का भरोसा भी छूट गया था।
महाराज जी ने उसे 200 रुपये दिए और फरमाया कि घबराओ नहीं, गरीबी अमीरी यह पिछले कर्मों के मुताबिक होती है। यह जिस्म हरि मंदिर है, इसे बर्बाद ना करना। बाल बच्चे पिछले कर्मों का फल है, इन्हें पालो। गुरु अंतर है और बाहर दोनों तरफ संभाल करता है। इंसानियत की सेवा तो महाराज जी के दिल में बचपन से ही बस चुकी थी। सन 1911 में हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके महाराज जी आगे पढ़ना चाहते थे, मगर पिताजी परिवार के हालात को देखते हुए महाराज जी को आगे ना पढ़ा सके। फिर महाराज जी की नौकरी फिर महाराज जी को नौकरी करनी पड़ी। यह वक्त महाराज जी की ज़िंदगी का सबसे अहम और मुश्किल वक्त था। महाराज जी बाहर एकांत में चले जाते और प्रभु की याद में बैठ जाते ताकि आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोच सके। अंतर में दुनिया के हालात को भी देख रहे थे। आखिर 8-9 दिन के बाद फैसला हो गया कि परमात्मा पहले बाद में दुनिया। एक दिन पिताजी ने महाराज जी से कहा कि जो अपने परिवार के दुश्मन हैं उनसे प्यार भावना ना दिखाए, यह हमारी इज्जत नहीं है। महाराज जी ने जवाब में पिताजी से अर्ज की कि पिताजी जो आपके दोस्त हैं ठीक है, वह मेरे दोस्त हैं, मगर जो आपके दुश्मन हैं माफ़ करना, वह मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। मेरे लिए मुश्किल है किसी से भी नफरत करना। सन 1912 में महाराज जी को मिलिट्री सर्विस मिल गई, क्लर्क की ड्यूटी थी। चाचा जी का खत महाराज जी को मिला कि मैं बीमार हूँ, गांव में अच्छा डॉक्टर नहीं है, अगर कहो तो मैं आपके पास आ जाऊँ। महाराज जी की खुशी की कोई हद ना रही कि वह एक बुजुर्ग की सेवा के लिए काम आए। चाचा जी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। हर रोज़ चाचा जी के लिए खाना और दवाइयाँ लेकर जाया करते थे। चाचा जी के बिस्तरे के साथ ही एक बूढ़ा मरीज़ और लेटा हुआ था। इस बूढ़े की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। महाराज जी इस बूढ़े के लिए भी खाना और दवाइयाँ लेकर जाने लग गए। यह देखकर चाचा जी ने कहा कि मेरा तो तुम्हारे पर हक है, मगर यह बूढ़ा जो पड़ा है यह तुम्हारा क्या लगता है। महाराज जी ने बड़े प्यार सत्कार से चाचा जी को जवाब में फरमाया कि चाचा जी मैं तो सबका हूँ। यह थी महाराज जी की ज़िंदगी। दिन गुजरते गए और महाराज जी का ख्याल दुनिया से टूट रहा था और अंतर में सारी रात प्रभु की याद में रोते रहते थे। यहाँ तक कि सरहाना भी आंसुओं से तर बतर रहता था। दिन गुजर गए और कृपाल सिंह जी एक अंधेरे में ही फूल की तरह चमकते रहे। बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे, फरमाया करते थे महाराज जी की कौन इतना रोया होगा जितना कि मैं रोया हूँ। दिन में दफ्तर में मसरूफ़ रहते और रात भर प्रभु की याद में गुजारते। महाराज जी का दिन सुबह 3 बजे से शुरू होता था। 3 बजे सुबह सवेरे ही भजन पर बैठ जाते और 9 बजे उठते थे भजन से। अपनी धर्म पत्नी से कहा हुआ था कि सुबह 9 बजे मेरा सुबह का नाश्ता दरवाजे के बाहर रख दिया करें। नहा धो के नाश्ता खाकर साइकिल पर सवार होकर 10 बजे दफ्तर पहुंच जाते थे। शाम 6 बजे तक दफ्तर में काम करते थे। महाराज जी रात को घरेलू काम से फारग होकर खाना खाकर 2 घंटे आराम करते, बाकी का वक्त दरिया के पानी में पत्थर पर बैठ जाते और प्रभु की याद में वक्त गुजारते। रात को दरिया के किनारे पुलिस आ जाती और पूछते कि यहाँ क्या करते हो। मैं कह देता कि प्रभु की याद में बैठा हूँ,
आप भी बैठ जाओ मेरे साथ। पुलिस वाले भी प्रभु की याद में बैठ जाया करते। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे भजन किया करते हैं, फिर मुझे किसी ने तंग नहीं किया। महाराज जी, मार्च 1947 में 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए। कंट्रोलर ने महाराज जी से कहा कि कुछ साल और काम पर लगे रहो, आपकी प्रमोशन हो जाएगी और पेंशन भी बढ़ जाएगी। महाराज जी ने जवाब दिया कि मुझे भी अलहेदगी का दुख है, मगर मेरी कुछ और भी जिम्मेवारियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं आपकी ऑफर को इनकार करने में मजबूर हूँ। सन 1947 में महाराज जी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ले गए। लाहौर में रावी रोड पर सत्संग घर में गए, जिसके दर और दीवार से रूहानियत की खुशबू आ रही थी। एक मौलवी साहब मिले, कहने लगे कि मैं 3 साल से लगातार अंतर में आपके दर्शन करता हूँ। उसने नाम इसी टूर में बाद में लिया था। बाद में वहाँ के पाकिस्तानी भाइयों के खत भी आते रहे। वह लिखते थे कि आपने बड़ी खूबसूरती और नम्रता से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो कुछ सुनते हो वह लिख लो, वरना भूल जाओगे। आज ही से शुरू कर दो। सत्संगों में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो धर्म पुस्तकें पढ़कर नहीं पा सकते। वह अल्फाज सुनते ही खामोशी छा गई और शब्द ध्वनि फौरन चालू हो गई। हालात बहुत ख़राब हैं, दुनिया ख़त्म होने को है। अरदास करो कि हे मालिक, हम सब पर दया करो। सत्संग को, संगत को सत्संग से जोड़कर रखो, ताकि हम सबका कल्याण हो सके। प्यार और नम्रता बख्शीश करो। महाराज जी की कविता। प्रीत सजन दी दिल दे अंदर बड़ी छुपा के रखा, पर जब याद उछाले मारे छलक पैंदियां अखा। वे कासदनु सतगुर ताई जाके ए गल आखे, दीद बिना कैदी जिया तरसन दिल विच मांग तू साडी। आपका अपना किरपाल सिंह। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा। परम पिता परमेश्वर, परम संत श्री किरपाल सिंह जी महाराज की जय।